हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम मोमेंट एरिया मेथड का। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का हम लोगों ने मैकेनिज्म मेथड देखा, मोमेंट एरिया मेथड का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया था। आज प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग मोमेंट एरिया मेथड का। जैसे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है हम लोग को, है ना। यहाँ पे यूडीएल है प्लस पॉइंट लोड भी है। दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। और ई आई का वैल्यू हम लोग को दिया है 6.3 × 10⁴, और स्पैन का लेंथ दिया है यहाँ पे। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्लोप, यानी थीटा एट पॉइंट थीटा सी निकालना है, एट पॉइंट सी, है ना, थीटा एट पॉइंट सी निकालना है। इसको हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी, मैक्सिमम स्लोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे रहता है, एंड पे। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कहाँ पे रहता है, फ्री एंड पे। कैंटिलीवर बीम है तो फ्री एंड पे ही मैक्सिमम स्लोप भी रहेगा और डिफ्लेक्शन भी रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग को निकालना है बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड, है ना। तो हमारा मोमेंट एरिया मेथड का ये सेकंड प्रॉब्लम है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सब में पहले हम लोग को पता है कि मोमेंट एरिया मेथड में क्या करना पड़ता है, सब में पहले हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, और उसको MBER डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मोमेंट एट पॉइंट बी और मोमेंट एट पॉइंट ए हमको निकालना है। अब मोमेंट एट पॉइंट बी देखो, मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए हम लोग बी के राइट साइड के फोर्सेस देखेंगे, है ना। राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स है 10 kN, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा, पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 10 × 1.5, है ना, तो कितना आ जाएगा, 15 kN/m। ये हो गया मोमेंट एट पॉइंट बी, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मोमेंट एट पॉइंट ए निकालना है हम लोग को इन दिस वे, मोमेंट एट पॉइंट ए निकालना है, ए के आगे के पूरे फोर्स आएंगे, ए के आगे यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। और डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे हम लोग, ए पॉइंट से देखेंगे। सब में पहले 10 kN का फोर्स ए की तरफ कैसे घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस 10 × अब यहां से पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, 2.5 + 1.5 कितना हो गया, 4 मीटर, है ना, तो क्या आ जाएगा, 10 × 4 अगेन प्लस, क्योंकि ये यूडीएल डाउनवर्ड है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगेन प्लस आ जाएगा। यूडीएल कितने का है, 12 × कितने स्पैन पे है, 2.5 पे, तो 12 × 2.5 करेंगे तो क्या मिलेगा, यूडीएल का फोर्स मिलेगा, है ना, सिर्फ यूडीएल का फोर्स मिलेगा। तो 12 × 2.5 किया हम लोगों ने, ये मिल गया यूडीएल का फोर्स। अब यूडीएल का फोर्स कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में, है ना, तो मतलब 2.5 के हाफ में, तो यहाँ पे इनटू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2.5/2, है ना, सारा का सारा एक बड़े ब्रैकेट में रख दो। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा मोमेंट एट पॉइंट ए मिल जाएगा, है ना, कितना आ गया मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए मिल गया हम लोग को 77.50, है ना, तो ये मिल गया हम लोग को 77.50 kN/m मोमेंट एट पॉइंट ए मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट बी मिल गया। अभी क्या निकालना है, अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये है हमारा पॉइंट ए, ये इधर है हमारा पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट हमारा सी। अब जैसे आप लोग को पता है कि मोमेंट एट पॉइंट सी क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी तो जीरो रहेगा, फ्री एंड के आगे कुछ भी नहीं है, तो मोमेंट एट पॉइंट सी रहेगा जीरो, मोमेंट एट पॉइंट सी इज जीरो। अब मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट बी है तो कितना निकाले हम लोग ने, 15, तो यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे किधर बता दो, मोमेंट एट पॉइंट बी इज 15 kN/m। अब देखो बी टू सी में कोई यूडीएल है क्या, नहीं है, अगर यूडीएल रहा तो कर्व आता है ना, तो बी टू सी में कोई यूडीएल नहीं, सिर्फ पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है क्या, नहीं है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे बी टू सी में यूडीएल है क्या, नहीं है, अगर यूडीएल रहता तो ऐसे कर्व आता था, है ना, अब यूडीएल नहीं है इसके लिए स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके, अब ये इसको जोड़ दो। अब देखो, अब मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ए है 77.50 kN/m, है ना, अब 77 आ गया तो ये नीचे जाएगा पॉइंट का, इधर किधर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 77.50 kN/m। ओके, अब देखो, अब ए टू बी में क्या है,
ए टू बी में है यूडीएल, है ना, और यूडीएल रहेगा तो क्या आएगा, कर्व आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा कर्व आ जाएगा, है ना, ऐसा कर्व दिखेगा। ओके, समझ में आ गया, यहां तक हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। अब हम लोग को मोमेंट एरिया मेथड यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, एम बाय ई आई डायग्राम चाहिए, मतलब मोमेंट डायग्राम को डिवाइडेड बाय ई आई से करना पड़ेगा, तब वो एम बाय ई आई डायग्राम बन जाएगी, ना। तो यहां तक समझ में आएगा, सिर्फ एम बाय ई आई डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको डिवाइडेड बाय ई आई करना है, यहां पे भी डिवाइडेड बाय ई आई करना है। तो ये बन गई हमारी एम अपॉन ई आई डायग्राम, है ना, ये बन गई हमारी एम बाय ई आई डायग्राम। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है। अभी सब में पहले हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप एट पॉइंट थीटा एट पॉइंट सी, मतलब स्लोप एट पॉइंट सी निकालना है। स्लोप एट पॉइंट सी मतलब क्या रहता है, स्लोप एट पॉइंट सी मतलब मोमेंट एरिया मेथड के हिसाब से एम बाय ई आई डायग्राम में ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का जितना भी डायग्राम बनाइए, उतने पूरे के पूरे डायग्राम का एरिया, उस एरिया का समेशन, ए टू सी तक जितना भी ये पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है अपना, उसका एरिया का क्या है, समेशन, वो क्या रहेगा हमारा, स्लोप एट पॉइंट सी रहेगा, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट, देखो स्लोप दैट इज थीटा एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एरिया बिटवीन पॉइंट ए टू सी, है ना, दिस इज द स्लोप एट पॉइंट सी। तो अभी इसका समेशन करेंगे, समेशन करने के लिए इसको सुटेबल डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कट कर देंगे। जैसे कि ये तो ट्राइंगल है ना, अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसी स्ट्रेट लाइन, है ना, तो क्या बन गया, ये वाला रेक्टेंगल बन गया, और ये वाला क्या है, ये ट्राइंगल है लेकिन कर्व वाला ट्राइंगल है ना, यहाँ पे कर्व है ना, कर्व वाला ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये कर्व वाला ट्राइंगल है ना। तो तीन सुटेबल डायग्राम में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि तीनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकेंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले बीसी, बीसी के अंदर कौन सा है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या आता है, ट्राइंगल का एरिया आता है वन बाय टू बेस इंटू हाइट, है ना। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, आपको विजिबल रहेगा, वन बाय टू बेस इंटू हाइट, है ना, ये वाला आ गया हमारा पहला वाला ट्राइंगल, बीसी में का ट्राइंगल। ओके, उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े से नाम दे देता हूँ ना, ए बी सी है ना, यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ डी, है ना, यहाँ पे मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ ई, और ये वाला पॉइंट है हमारा एफ, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ मैंने नाम दे दिया, है ना। तो अभी नाम दे देने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने के लिए आइडेंटिफाई करना, है ना। तो अभी कौन सा वाला रेक्टेंगल आएगा, ए बी डी ई, है ना, ए बी ई डी, ए बी ई डी रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू बी इंटू डी, है ना, बेस इंटू हाइट बोलो या बेस इंटू डेप्थ बोलो चलेगा, बी इंटू डी और बी इंटू एच कुछ भी लिखो चलेगा। उसके बाद ये वाला देखो डी ई एफ, है ना, ये वाला जो कर्व वाला ट्राइंगल है डी ई एफ, ऐसा कर्व वाला ट्राइंगल रहेगा तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व वाला ट्राइंगल रहेगा तो उसका एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, वन बाय थ्री बेस इंटू हाइट, है ना। ट्राइंगल रहेगा तो वन बाय टू बेस इंटू हाइट रहता है, और ये ऐसा कर्व वाला ट्राइंगल रहेगा तो वन बाय थ्री आ जाएगा, वन बाय टू की जगह सिर्फ वन बाय थ्री आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ओके, समझ में आ गया, फॉर्मूला लिख दिए, समझ में आया फॉर्मूला कहां से आ गया। अब इसमें वैल्यू पुटअप करना है, देखो वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे हम लोग, वन अपॉन टू ट्राइंगल का बेस, ये वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, ये है 1.5 मीटर, और ये कितना है, ये है 2.5 मीटर, तो इसका बेस कितना है 1.5 है ना, तो 1.5 लिख देता हूं मैं। ओके, अब इसकी हाइट, इसकी हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है, एम बी, अपना मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, 15 अपॉन ई आई, तो इंटू मैं क्या लिख दूंगा, 15 अपॉन ई आई प्लस, अब देखो बी इंटू डी किसका, ये वाले रेक्टेंगल का, ए बी ई डी का, है ना, ए बी ई डी। अब इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2.5, है ना,
इसका बेस है 2.5 इंटू डेप्थ। डेप्थ मतलब ये वाली डेप्थ है ना, ये एडी बोलो या फिर बीई बोलो, ये वाला सिर्फ यहां तक का है ना, रेक्टेंगल सिर्फ यहां तक का है, ये एडी इज इक्वल टू बीई रहेगा। और बी की वैल्यू कितनी है, 15 ही है, मोमेंट एट पॉइंट बी है ना 15 ही है ना। इसका इसका हाइट जो है वो 77 नहीं लेना है ना, ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल इतना ही है ना, तो इतना ही मतलब इतनी हाइट है इसकी है ना, हाइट कितनी एमबी मतलब 15 है हाइट खाली, वो 77.5 है, 77.5 ये पूरा सारा है ना, तो रेक्टेंगल हमारा सिर्फ यहां तक है, यहां तक मतलब यही हाइट है, ये हाइट कितनी है 15 है, तो इसकी हाइट कितनी ले लेंगे हम लोग 15। ओके अब ये वाला ट्रायंगल हमारा डीई एफ कर्व वाला ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या है 1/3 है ना, 1/2 के जगह पे सिर्फ 1/3 है, इनटू बेस। अभी इसका बेस कितना है, इसका बेस ये है डीई, डीई इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू कितना है 2.5 है, तो इनटू 2.5 इनटू हाइट। अब ध्यान दो यहां पे, अब सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसकी हाइट ये वाले ट्रायंगल की डीई एफ, इसकी हाइट क्या है डीएफ है ना। अब डी टू एफ की वैल्यू कितनी है, डी टू एफ की वैल्यू 77.50 नहीं है, ए टू एफ की वैल्यू 77.50, ए से एफ तक का ये पूरा हाइट कितना है 77.50, लेकिन डी एफ की वैल्यू चाहिए अपने को है ना, क्योंकि ट्रायंगल अपना डीई एफ है, इसका हाइट क्या है सिर्फ डी एफ हाइट है, तो यहाँ पे सिर्फ डी एफ की वैल्यू चाहिए। अब डी एफ की वैल्यू कितनी है अपने को पता है क्या, नहीं पता, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। ए टू एफ कितना है 77.5 है ना, ए टू एफ में से एडी में माइनस कर दूंगा, एडी इज इक्वल टू क्या है बीई है ना, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो अपने को निकालना है क्या है डी एफ निकालना है, ये वाला डी एफ ट्रायंगल की हाइट डी एफ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा ए एफ में से एडी माइनस कर देना पड़ेगा है ना, तो ए एफ माइनस एडी, और एडी इज इक्वल टू क्या है बीई है, दैट इज 15 है ना, 15 यहाँ पे दिखा है ना, तो ए एफ, ये ए एफ पूरा कितना है 77.50 माइनस ये बी ई या फिर ए डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना है 15 है ना, अपॉन ई आई रहेगा यहाँ पे माइनस 15 अपॉन ई आई है ना, तो इसको कैलकुलेट कर दो कितना आता है देखो है ना, कितना आ रहा है ये 52.77 है ना, 75 तो 62.5 आ जाएगा है ना, तो ये आ गया 62.5 अपॉन ई आई है ना, ये आ गया हमारा डी एफ या फिर हम लोग एच बोलेंगे, किसका ट्रायंगल वाले का एच है ना, ये जो स्लोप वाला ट्रायंगल है डी टू एफ, ये वाला हाइट मिल गया अपने को है ना, तो ये वाला हाइट मिल गया कितना आ गया 62.5 अपॉन ई आई, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 62.5 अपॉन ई आई है ना। आप लोग डायरेक्टली 62.5 अपॉन ई आई के जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी लिख सकते हो डायरेक्टली है ना, बुक्स में आपको देखने मिलेगा 77.50 माइनस 15 अपॉन ई आई लिखा है उसने ना, तो ये वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल लो और वो उधर लिख दो है ना, जितना सिंप्लीफाइड करोगे उतना अच्छा है, तुम लोग को भी समझ में आएगा है ना, और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी समझ में आएगा कि आपने क्या किया। ओके तो अब ये कैलकुलेशन पूरा क्या करना है, कैलसी में पुटअप करना है, इसका आंसर निकालना है, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया देखो थीटा सी इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, थीटा सी मिल गया हम लोग को 100.83 अपॉन ई आई, कितना आ गया है 100.83 अपॉन ई आई, 100.83 अपॉन ई आई, और यहां पे हमको ई आई की वैल्यू दिया हुआ है, ई आई की वैल्यू कितनी है अपनी 6.3 है ना, यहाँ पे लिखा है आप लोगों देखो 6.3 × 10⁴, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 100.83 अपॉन ई आई की वैल्यू है 6.3 × 10⁴ है ना, तो यहां से अपने को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा रेडियंस में है ना, तो कितना आ गया वो 1.60 × 10⁻³ है ना, कितना आ गया आंसर 1.60 × 10⁻³ रेडियन है ना। अभी थोड़ा सा नीचे चला गया, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं वीडियो में आई डोंट नो, लेकिन ये जो आंसर आएगा 1.60 × 10⁻³ है ना, और खुद से तुमको सॉल्व करना है, खुद से ये सब कैलकुलेशन करके देखने का, सिर्फ वीडियो देख के समझ में आ गया नहीं, उतना सफिशियंट नहीं है, कैलकुलेशन सब में इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम में जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी खुद पेपर चेक करता हूँ, मुझे खुद पता है अच्छे से, जो
जितने एग्जाम में अगर 100 स्टूडेंट बैठ रहे हैं ना, तो 100 स्टूडेंट में से मैं बोलता हूँ 80% स्टूडेंट को पूरे प्रॉब्लम का मेथड पता होता है ना। तो बच्चों के जो मार्क्स कट होते हैं, मार्क्स कहाँ पे कट होते हैं पता है आपको? 70% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में, है ना। उनको पता होता है, मेथड से पता होता है कि भाई ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। और वो एक्साइटमेंट में, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में उनको आ जाता है, अरे ये प्रॉब्लम आया, ये मेरे को आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो वो एक्साइटमेंट में इतने खुश हो जाते हैं ना कि इतना जल्दी प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, और जितना जल्दी प्रॉब्लम करने में कैलकुलेशन में उतना ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं ना। और एक बार यहाँ पे कोई भी एक कैलकुलेशन भी गलत हो गया, प्लस का माइनस हो गया, या फिर एक कैलकुलेशन भी गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आंसर गलत। और पूरा का पूरा आंसर गलत मतलब मार्क्स भी पूरे चले जाएंगे, सीधा मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो इसके लिए कैलकुलेशन पे सब में ज्यादा ध्यान देना, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस सब में ज्यादा करना है। ओके, तो ये हमको थीटा सी मिल गया, स्लोप की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को क्या निकालना है? अभी हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है, वाई सी। अब वाई सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वाई सी निकालने के लिए हम लोग यही जो एरियाज है ना, ये वाला एरिया, ये वाला पहले वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, और ये स्लोप वाले ट्रायंगल का एरिया, इसका हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। कहां से? ये सी पॉइंट से, है ना। कहां से लेंगे? सी पॉइंट से मोमेंट लेंगे, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ी गलती होती है। स्लोप एकदम इजीली निकाल लेते हैं स्टूडेंट ना, जब डिफ्लेक्शन की बारी आती है तो थोड़ा सा गलती हो जाती है। देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना जो रूटीन वाला स्टेप है वो लिख देंगे। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम, है ना, बिटवीन ए टू सी अबाउट पॉइंट सी, है ना। मतलब जितना भी ए टू सी के अंदर जितना भी एम बाय ई आई डायग्राम का जो भी एरिया आया है उसका मोमेंट सी पॉइंट से जो रहेगा उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी बोलते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके अलग अलग फोर्स बनाएंगे। ऐसा जैसा ये एरिया है, अब ये ए बी सॉरी सी बी ई, ये ट्रायंगल सी बी ई का जो भी एरिया है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? उसको एक फोर्स कंसिडर करेंगे ना। और वो फोर्स सपोज एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला फोर्स है ना। अबे ट्रायंगल को मैं नाम दे दूंगा, ये वन है ना, और ये रेक्टेंगल है टू, और ये जो स्लोप वाला सर्कल है ये है थ्री सपोज। ओके, तो अब ये रहेगा फोर्स वन, है ना। ये फोर्स वन क्या रहेगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला एरिया है ना, 1/2 1.5 × 15, है ना। अब 1/2 1.5 × 15 इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 11.25, है ना। ये वाला आंसर कितना आ रहा है? ये वाला आंसर आ रहा है 11.25। देखो ये वाला आंसर आ रहा है 11.25, ये है हमारा F1, 11.25। एंड देखो अभी ये 2.5 × 15, है ना। अब 2.5 × 15 इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 37.25, है ना। ये हमारा F2 आ रहा है हमारा 37.25, है ना। अबे F1 F2 मैं क्यों कर रहा हूँ? सिंप्लीफाइड करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को डायरेक्ट लिखते हैं ना तो समझ में नहीं आता, है ना। अब F2 हमारा कहाँ एक्ट होगा? इसके देखो रेक्टेंगल का CG कहाँ रहता है? इसके सेंटर में, है ना। ये यहाँ पे रहेगा आपका F2, है ना। F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11.25 / EI। F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 37.5 / EI, है ना। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ MB, अभी इसकी जरूरत नहीं हमको, है ना। अभी हम लोग को जरूरत है F1, F2 और F3 की, है ना। और ये MA को भी मैं जीरो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, ताकि हम लोग को ये चीजें विजिबल दिखे, ज्यादा ये नहीं हो जाए, खिचड़ी ना हो जाए। ये पॉइंट यहाँ पे हमारा E है ना। अब F3 फोर्स क्या रहेगा? DEF, ये जो ट्राइंगल है इसका CG, इसका CG कहाँ रहेगा? ये वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा नजदीक रहेगा इधर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका फोर्स बताएंगे, ये है हमारा फोर्स F3, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? ये वाला कैलकुलेशन, है ना, 1.3 × 2.5 × 62.5, है ना। तो 1.3 × 2.5 × 62.5 कितना आ गया? ये 52.08, है ना।
अपॉन ई आया, देखो ये एंड एफ थ्री इज इक्वल टू 62.08 अपॉन ई आया है ना, 62.08 यहां पे भी लिख देता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, जूम करके देखना 62.08 अपॉन ई आया। ओके आ गए वैल्यू सब समझ में आ गया। अब देखो अब मैं ये नीचे वाला क्वेश्चन रफ कर देता हूं ताकि हम लोग वो चीजें वापस से लिख पाए है ना। अब देखो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई जैसे आप लोग करते हो सिंपल, एक बीम का प्रॉब्लम होता है, दो तीन फोर्सेस है, उसका हम लोग को क्या करना है मोमेंट लेना है। अब वैसी ही कंडीशन यहाँ पे, अब क्या है, अब आपको सी पॉइंट से मोमेंट लेना है। कौन से फोर्सेस है, एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये तीन फोर्सेस है ना, इनके एरिया को मैंने निकाल दिया, लोकेशन भी डाल दिया है ना। अब क्या चाहिए अपने को, डिस्टेंस चाहिए हर एक पॉइंट का, कहां से, सी पॉइंट से। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, अब आपको सीजी के फॉर्मूले यहाँ पे याद होना जरूरी है, अगर सीजी के फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी है ना। अभी मैं आगे सीजी के भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैकेनिक्स के भी पूरे वीडियोस आएंगे, तो उसमें सीजी के वीडियोस भी आप देख लो तो आपको ये फॉर्मूले वगैरह सब सीजी अच्छे से आ जाएगा है ना। तो अब देखो सी पॉइंट, अब ट्राइंगल का जो सीजी होता है वो कहाँ पे होता है, देखो इधर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ प्रॉपरली। ट्राइंगल का सीजी होता है यहाँ पे है ना, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है मान लो है ना। तो अब ये पॉइंट अगर सी है, ये पॉइंट बी है, अपने को पॉइंट सी से चाहिए ना। अभी जो ट्रायंगल की वर्टिकल लाइन जो होती है ना, हाइट वाली जो लाइन होती है, वहां से सीजी तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है एच बाय थ्री है ना, क्या होता है एच बाय थ्री होता है ना। और ये सी पॉइंट जो है, ये हॉरिजेंटल देख रहे हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, बी बाय थ्री आ जाएगा है ना। वर्टिकल ये डिस्टेंस जो रहेगा, वर्टिकल रहेगा h बाय थ्री है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल रहेगा ये क्या रहेगा, बेस b बाय थ्री है ना। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, b बाय थ्री, बेस बाय थ्री है ना। अब ये c पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहता है 2b बाय थ्री है ना, जैसा ट्राइंगल के फॉर्मूले में ना 2h बाय थ्री है ना। या फिर सिंपल ये b है तो b में से ये b बाय थ्री माइनस कर दो, b माइनस बी बाय थ्री, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा। तो b माइनस बी बाय थ्री टू बी बाय थ्री आता है ना, तो ये फॉर्मूला आ गया टू बी बाय थ्री। तो c से ये cg तक का डिस्टेंस कितना मिला अपने को, टू बी बाय थ्री, टू बी बाय थ्री मिला। तो अब यहां से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है अपना, टू इंटू बी अपॉन थ्री है ना। जूम करके देखना है इसको, अभी मैं बड़ा लिख नहीं सकता यहाँ पे बैठेगा नहीं है ना। तो 2b बाय थ्री, ये डिस्टेंस कितना है 2b बाय थ्री, और b कितना है इसका, बेस 1.5 है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 1.5 है, 2b बाय थ्री आ गया है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन डालते जाएंगे, yc इज इक्वल टू, yc मतलब मोमेंट एट पॉइंट c है ना, मोमेंट एट पॉइंट c, और ये पूरे डायग्राम्स का है ना, 1, 2, 3 जितना भी डायग्राम है, जितना एरिया है उसका हम लोग को मोमेंट लेना है। देखो c पॉइंट से सबसे पहला फोर्स क्या आएगा, f1 है ना, तो f1 का डिस्टेंस कितना है 2b बाय थ्री है ना। तो यहाँ पे मैं पहले f1 ही लिख देता हूँ, f1 वन इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी बाय थ्री है ना, ये वाला वैल्यू। ओके अब देखो, अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा है, दूसरा वाला फोर्स है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल के लिए है ना। अब रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है, रेक्टेंगल का सीजी होता है हाफ में, ये टोटल 2.5 है, तो यहां से B से ये कितना रहेगा 2.5 बाय 2, और A से भी ये कितना रहेगा 2.5 बाय 2 है ना। यहाँ पे मैं ट्राइंगल के लिए भी, रेक्टेंगल के लिए भी मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकाल के साइड में लिख देता हूं, ये वाला ट्राइंगल है हमारा ए बी डी ई है ना, इसका सी जी जो रहेगा ये एफ टू, इसका डिस्टेंस यहां से कितना रहेगा, ये रहेगा b बाय टू, और ये भी क्या रहेगा, ये भी रहेगा b बाय टू, ये तो सबको पता है ना, एकदम नॉर्मल चीज है, ये b बाय टू डिस्टेंस रहेगा इसका यहाँ से है ना। लेकिन है ना, अब ये डिस्टेंस यहां से b तक का डिस्टेंस b बाय टू है, लेकिन अपने को कहां से चाहिए, c से चाहिए, तो क्या होगा, bc कितना है 1.5, तो 1.5 प्लस b बाय टू है ना। तो यहां से पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो रहेगा है ना, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा हमारा 1.5, ये वाला 1.5 है ना, प्लस b बाय टू। अब ये जो b बाय टू है, ये b बाय टू में b क्या है, 2.5 है यहाँ पे b है ना, रेक्टेंगल के लिए तो 2.5 है b है ना। तो सेकंड वाला कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, अगेन प्लस f2 हमारा है ना, f2 इनटू इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस रहेगा 1.5 प्लस b बाय टू है ना।
अभी हर जगह पे बी बी आ रहा है तो कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ बी का वैल्यू लिख देता हूँ ना। यहाँ पे क्या आएगा बी इज इक्वल टू 1.5 और यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 by 2। ओके तो यहां पे भी हम लोग लिख देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 2 into 1.5 और यहां पे भी क्या आएगा बी की जगह पे 2.5। ओके एफ टू मिल गया। अब एफ थ्री है ना, अब एफ थ्री के लिए देखो प्लस यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं एफ थ्री इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से ये डिस्टेंस चाहिए अपने को है ना, तो यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए पहले 1.5 आ जाएगा 1.5 प्लस है ना। अभी 1.5 मतलब बी तक आ गया, बी से बी मतलब ये ई से है ना, अभी ई से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा इसका है ना। अब ये देखो ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा अलग है, ये ट्राइंगल है क्या, पहली बात तो ये ट्राइंगल नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है नीचे वाला क्या है ये ऐसा कर्व है ना। अब ये कर्व है, अब कर्व जब रहता है तो क्या होता है, देखो यहां पे इसका सीजी है, ये है पॉइंट हमारा डी, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट एफ, तो अपने को ई से इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, प्लस ये 1.5 आ जाएगा तो सी से ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को। यहां से सी तक का डिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। अब ये इतना डिस्टेंस कितना रहता है इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, देखो ट्राइंगल के लिए कितना रहता है ये 2b/3 है ना, तो सिर्फ इसमें एक एक ऐड कर देने का है ना, ये 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 4, बस सिंपल है। देखो यहां पे तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां पे ट्राइंगल के लिए क्या है 2b/3 है, तो यहां पे क्या रहेगा 3 into b/4 है ना, और यहां पे बेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे बेस की वैल्यू भी है 2.5, इसका बेस और रेक्टेंगल का बेस सेम है 2.5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 into b/4 है ना, तो 1.5 प्लस क्या हो जाएगा 3 into b, b कितना है 2.5 divided by 4, तो ये बन गया हमारा पूरा इक्वेशन आ गया f1 f2 f3 के वैल्यू है, f1 f2 f3 के वैल्यूज यहां पे पुट करो है ना, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो ei से, उसको डिवाइड करो, ei को कॉमन निकाल लेने का, यहां पे तीनों जगह पे ei, तो 1/ei सीधा बाहर निकाल लेने का है ना, और बाकी का पूरा कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलसी में कर देने का है ना, तो वहां से अपने को वैल्यूज मिल जाएंगे ना। तो अभी हम लोग पूरे वैल्यूज लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन करते, देखो एक स्टेप और आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब f1 yc = देखो सब में पहले f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू है हमारी 11.25 इंटू कितना है 2 into 1.5 by 3 2 into 1.5 upon 3, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखो, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो, और 1.5 अपॉन क्या है ई आई है, तो 1/ei को सीधा बाहर निकाल दो, तीनों ब्रैकेट में कॉमन है ना, उसको बाद में कैलकुलेट करने का। फिर उसके बाद प्लस अभी ये क्या f2 की वैल्यू कितनी है 37.5 upon ei इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है 1.5 plus 2.5 by 2, तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख दो 1.5 plus 2.5 upon 2। ओके अब f3 प्लस, अब यहां पे f3 की वैल्यू कितनी है, f3 है 62.08 तो 62.08 upon ei इनटू, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 1.5 plus 3 into 2.5 upon 4, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज है ना। अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद yc का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, yc का वैल्यू कितना आ जाएगा, yc का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 290.145 upon ei, देखो 290.145 upon ei। अब ei की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ei कितना है हमारा 6.3 into 10 to power 4,
6.3 इंटू 10^4। तो यहाँ पे अपने को yc का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया yc, yc मिल गया 4.61 इंटू 10^-3। 4.61 इंटू 10^-3 मीटर में आएगा आंसर, क्योंकि हमारे सारे के सारे डिस्टेंस मीटर में है। और mm में चाहिए तो क्या लिख देंगे हम लोग, 4.61 mm। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम ये? कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो, मैं बता दूंगा। ओके, और अभी ये आगे और हम लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे तो और आइडिया क्लियर होगा, है ना। तो सब में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि खुद से सॉल्व करना, जब तक आपको बिना बुक को या वीडियो देखे खुद से आपको पूरा सॉल्व करते आना चाहिए प्रॉब्लम, पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपने खुद से सॉल्व करते आना चाहिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन परफेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।